बिल्लीपुरा नाम का एक देश था। उस देश के राजा का नाम क्रेजी वाला था। वो थोड़ा पागल किस्म का आदमी था। वो जो भी करता था बहुत हटके करता था। वो बिल्लियों को बहुत पसंद करता था, इसलिए अपने देश का नाम भी बिल्लीपुरा रख दिया। वो जब सिंहासन पे बैठता था तो वो बिल्ली भी जाकर उस पे बैठती थी। थोड़े बिल्ली तो उसके सर पे चढ़कर बैठ जाती थी। वो खाते वक्त सोते वक्त हरदम बिल्लियों को अपने बगल में ही रखता था। वो देखकर एक दिन महामंत्री, महाराज आप अगर गलत नहीं सोचेंगे तो एक बात कहूँ, आप जो प्यार इन बिल्लियों पे दिखा रहे हैं उसमें से आधा प्यार भी अपने प्रजा पे नहीं दिखा पा रहे हैं कहकर सब कह रहे हैं, कृपा करके थोड़ा अपने प्रजा के बारे में भी सोचिए महाराज। तुम्हारी कितनी हिम्मत रे, ये सब तुमसे किसने कहा? उसे यहाँ पर लाओ, उसे इन बिल्लियों के हवाले कर दूंगा। वैसे मेरे प्रजा को क्या कमी है, वो अच्छे से पैसे कमा रहे हैं ना, उन्हें और क्या तकलीफ है। वो नहीं महाराज, आपको कर थोड़ा कम करना होगा, राजमार्ग पुल जैसे बनाने होंगे। आपके देने वाले सजा भी अच्छे नहीं है कहकर लोग कह रहे हैं। बिल्ली को गाली देने वाले को आजीवन कारावास की सजा क्यों देना, घर में बिल्ली को नहीं पाले तो जुर्माना, ये सब घटिया सजा है। के तभी एक बिल्ली उसके पास आने लगी तो वो चिढ़ते हुए, चीची जाओ 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 यहाँ से। बस महाराज को गुस्सा आया, रे नीच कमीने, मुझसे ही बहस करोगे और ऊपर से मेरे बिल्ली को यहाँ से जाने के लिए कहोगे। सिपाहियों इसे तुरंत कारागार में डालो। ऐसे वो लोग उस बेचारे महामंत्री को जेल में डाले। गांव में सभी के घरों में बिल्ली रहती थी। जब वो टेबल पर चढ़कर दूध पीती तो घर वाले उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे। गांव में सिपाही बिल्लियों को कुछ भला बुरा ना कहें इसलिए उनकी पहरेदारी करते थे। अगर गांव में कुछ झगड़ा होके दो लोग मारपीट करते तो, रे मुझे ही मारोगे क्या, रुको अभी जाकर महाराज जी से तुमने बिल्ली को मारा कहकर कहूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा रे, कर्जा चुकाने के लिए पूछे तो मुझे मार रहे हो और ऊपर से महाराज जी से झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गए हो। जाओ रे जाओ, मैं भी बोलूंगा कि परसों तुमने एक बिल्ली को लात मारा है कहकर। एक बार एक युवक महाराज के पास आता है। महाराजा मेरा नाम बुद्धिमान है, मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। मैं विदेश जाकर बिल्लियां और उनके मानसिकता के बारे में पढ़ाई करके आया हूँ। ऊपर से मैंने बिल्लियों की भाषा भी सीखी है। आपके पास मंत्री के तौर पर काम करने के लिए सोच रहा हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। कहकर वहाँ मौजूद बिल्ली से मियाऊ 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 कहकर कुछ कहा। मियाऊ मियाऊ, क्या तुमने बिल्लियों के बारे में पढ़ा है, तुम्हें उनकी भाषा भी आती है। वाह, तो फिर तुम्हें लोगों के बारे में और अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब से तुम ही मेरे महामंत्री हो। वैसे वो बिल्ली क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि उसे आप बहुत पसंद हो, मगर आप अपने प्रजा के बारे में भी सोचे तो अच्छा रहेगा, यूँ बोल रही है। सब लोग आपके इस बिल्ली के पागलपंती के बारे में गलत बात कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कहकर बोल रही है। वो तो सिर्फ दो बार ही मियाऊ मियाऊ बोली थी ना, उसका इतना बड़ा अर्थ है क्या? रे बिल्लियो, तुम लोग इसकी परवाह मत करो, अगर कोई तुम्हारे आड़े आया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बुद्धिमान तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, अब से तुम ही मेरे महामंत्री हो। उस रात बुद्धिमान सारे बिल्लियों को चुरा कर ले गया और उन्हें एक जगह पर सुरक्षित रखा। अगले दिन बिल्ली नहीं दिखने के कारण महाराज घबराने लगा। महाराज, बिल्लियों का दिल बहुत नाजुक होता है, उनके वजह से लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं कहकर ये पता करके लगता है वो कहीं पर चली गई हैं। क्या ये नहीं हो सकता, मुझे मेरी बिल्ली चाहिए। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए बस। ठीक है महाराज, लगता है वो यही कहीं पर हमें देख रही हैं, इसलिए आपको उनके पसंद आने वाले काम करना होगा, तभी वो लौट आएंगी। पहले उस मंत्री जी को जेल में से रिहा कीजिए। ऐसे मंत्री फिर से सभा में आए, तब एक बिल्ली सभा में लौट आई। मियाओ मियाओ कहकर पुकारी। महाराजा ने उसे देखा। महाराजा देखा, ये बिल्ली आपका काम पसंद आने के वजह से वो लौट आई है कहकर बोल रही है। आप और अच्छे काम किए तो सारे बिल्ली वापस आएंगे कहकर बोल रही है। महाराज खुशी से, क्या
सच में वैसे मुझे क्या करना है? पहले आपको कर कम करना होगा, देश के विकास के लिए काम करना होगा, घर घर में बिल्ली को पालना, अगर बिल्ली को कुछ कहा तो सजा देंगे जैसे सब रद्द करना होगा, गांव गांव को एक सोने की बिल्ली का घर बनवाकर उसमें से जरूरतमंद लोगों को सोना मिले जैसे इंतजाम करना होगा। वो सुनकर महाराज मान गया। ऐसे हर एक गाँव में सोने के बिल्ली के घर को लगाए। जरूरतमंद लोगों को अंदर बैठे हुए सिपाही सोने के सिक्के देने लगे। उन्हें देखकर लोग बहुत खुश होने लगे। थोड़े दिनों के बाद सारे बिल्लियों को वापस आते देख महाराज बहुत खुश हुआ। महामंत्री अपने बेटे बुद्धिमान को गले लगाकर उसका धन्यवाद किया।